अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू कीमा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है और सब इसको पसंद करते हैं और कितनी अच्छी लुक आई है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ऑयल लिया और उसमें मैंने ज़ीरा और दो मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, तब तक वेट करती हैं। प्याज तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने आधा किलो कीमा ले लिया चिकन का, वो इसमें डाल देंगे और कीमे को इतना मतलब पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जो स्मेल होती है, एक मखसूस स्मेल, वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर हम ज़ीरा पहले डाल देते हैं तो जो है इसमें जो स्मेल होती है कीमे की, वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही लजीज ये कीमा बनता है। तमाम लोगों को बहुत ही पसंद आएगा जब ये इसकी फाइनल लुक देखेंगे तब। ठीक है, ये मैंने कीमा शामिल कर दिया और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट। पाँच मिनट के बाद मैं इसमें टमाटर 2 अदद और 3 हरी मिर्चें छोटी छोटी काट ली, वो डाल दी। इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे फिर बाकी के इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। आलू कीमा सबकी फेवरेट डिश है। टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अदरक लहसुन की खुशबू आने तक इसको पकाते हैं, तो अदरक लहसुन की जब खुशबू आएगी तब तक इसको पकाते हैं। अदरक लहसुन की तकरीबन खुशबू आना शुरू हो चुकी है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। मैंने पानी में आलू को रख दिया था, क्यूब्स में कटे हुए आलू, ये इसमें शामिल कर देंगे। मैंने जो है एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और उसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट दिए हैं। ठीक है, अब इसको इसके साथ थोड़ी देर भूनना है ताकि आलू में भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तमाम ये चीज़ें डाल के उसके बाद हम लोग इंग्रेडिएंट बाकी के शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच इसमें जाएगी हल्दी और 1 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। हसबे जायका इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें जो है पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं ना जलें। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, आप इन सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भून लें। तीन से चार मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है आलू कीमे की। अब हम इसमें जो है पानी इसमें ऐड करेंगे। देखो, आपने बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, इसमें से आपको खुशबू आनी चाहिए, फिर इसमें पानी डालेंगे। अब हम ज़रूरत के मुताबिक पानी डालेंगे। मैं अपना पानी जो है
दो कप रखूंगी। आप लोगों ने जितना कीमा पकाना हो आधे किलो के मुताबिक, मैंने 2 कप पानी रखा क्योंकि मैंने आलू डाले हुए हैं तो आलू का गलना भी ज़रूरी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट पकते हुए हो चुके हैं, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। मज़ीद इसको खुश्क करेंगे और आलू भी गल चुके हैं हमारे, आप देख सकते हैं। मज़ीद पानी को खुश्क करेंगे 2 से 3 मिनट और मज़ीद इसको पकाएंगे। दो से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको कर देंगे मिक्स। गरम मसाला पाउडर डालने से इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाता है और खाने वालों का दिल चाहता है कि वो ये चीज़ें बना के खाएं। बहुत अच्छी तरह से गरम मसाले को मिक्स कर देना है। कीमा हमारा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप बताइएगा आपको मेरी ये कीमा आलू की रेसिपी कैसी लगी, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।